नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो है ये बसंतर की वीडियो है। ये देखें यहाँ पे बसंतर में इतनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना खूबसूरत नज़ारा ये देखें, आपको आप देखेंगे आप वाकई सोचेंगे कि इतना खूबसूरत इलाका है और इसके साथ ये बसंतर है। ये जो पानी है ये इंडिया से पानी आ रहा है, आप करवाते हैं ये देखें। और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा है आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें ये इतना ज़्यादा ठंडा पानी है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बर्फ़ से होकर आ रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। और ये बसंतर की खासियत है। और ये देखें ये बिल्कुल पानी जो आ रहा है ये भारत से होता हुआ पाकिस्तान की हदूद में इंटर हो रहा है। यहाँ से पानी पाकिस्तान की हदूद में इंटर होता है। इसके साथ ही आपको वो सामने जानवर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ये जो जानवर है ये इंडिया के जानवर है, आप देख भी सकते हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। और हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। पहले नाज़रीन यहाँ पे बहुत पानी आता था, बहुत पानी आता था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी चला जाता था। लेकिन इस दफ़ा आर्मी वालों ने बंद बना दिया हुआ है, एक रुकावट बना दिया है ताकि ये पानी आबादी की तरफ ना जाए। वो इलाका है जहाँ से हमने कल भी आपको सैर करवाई थी, ये बिल्कुल उसी बॉर्डर के साथ है। क्योंकि ये आज की हमारी वीडियो में हम आपको पूरे बसंतर के बारे में बता रहे हैं। और ये इसकी एक और ख़ासियत है इस बसंतर की, ये तकरीबन यहाँ की जो रेत है ये रेत है, ये खालस रेत है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, और मोटी रेत है। ये यहाँ से सप्लाई होती है, वो आपको सामने ट्रालियाँ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, वो यहाँ से भरते हैं और तकरीबन 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर यहाँ से लेके जाते हैं। और यहाँ से तकरीबन महंगी भी मिलती है रेत आप। और ये हमारे अगर आपने किसी साथ ही गाँव में लेके जानी हो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह भी आर्मी की तरफ से लगा हुआ है और इस तरह की चीज़ें आपको हम मज़ीद इसके बारे में। बहुत ही खूबसूरत इलाका है यहाँ पे हमारा, आप देख सकते हैं वीडियो में देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छे दिलफरेब मनाजर हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। एक और आप बात आपको बतानी थी कि वो सामने इलाका है जो नज़र आ रहा होगा आपको पानी के उस तरफ, काफ़ी उनका दूर थोड़ी, वहाँ पे बाबा मशीद सदीक का इलाका है जो कि हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर हैं, उनका चैनल है फूड का एक और काफ़ी फेमस है, वो उनसे मीटअप करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी दिन तक। और उनके गांव नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी है उनकी, एक बताया कि कुछ लड़के उनसे मीटअप करने के लिए आए और उन्होंने जाते हुए लड़कियों की रास्ते में आ रहे लड़की औरतों की वीडियो बनाकर उसको चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो हम इस बात से ग्रेज करेंगे कि उनके गाँव जाएँ, इससे अच्छा ये है कि हम उनके कांटेक्ट करके उनको बाहर बुलाते हैं कहीं कि यहाँ पे कर लें, हम गांव में नहीं आएंगे आपके, तो वहाँ पे होगी इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए यहाँ तक ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।